डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डीएवी पॉल कॉलेज सीवान में पोस्टेड हूँ। ठीक है, रहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक इन्वेस्टिगेशन जो कि बीकॉम पार्ट वन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण, जिसको हिंदी बोलते हैं अन्वेषण बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक प्रकार का स्पेशल ऑडिट होता है। जैसे कि ऑडिट में होता है कि आपको सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको एग्जामिन करता है, जांच करता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है एक स्पेशल ऑडिट होता है। अगर हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ उद्देश्य, जैसे मान लीजिए किसी संस्था के उसका प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायक क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं, या उसका कैसा मार्केट में गुडविल है, या कुछ विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, जाँच किया जाता है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन यानी मतलब ये अन्वेषण करता है। एक प्रकार का एक विस्तृत जाँच होता है ये चीज़ को। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन मीनिंग में बताते हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ठीक है, जैसे कि बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो किसी भी संस्थान के जो भी अकाउंट्स है, जो भी खाता बही है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी बही है, लिखा है जो है, उसकी वो जाँच करने का सूचक होता है। इन्वेस्टिगेशन उसको क्या करता है, जांच करने को जांच करता है। किसी भी संस्थान के जो भी अकाउंट्स और बुक्स अकाउंट्स हो गया या रिकॉर्ड्स हो गया जो मेंटेन होता है, उसकी जांच करता हूँ। इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक ना, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन अंडरटेकिंग। बोलता है कि ये जो एक प्रकार का जांच है किसका, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, ये किसी संस्थान के जो भी अकाउंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी बही है, समझे, जो भी ये है साक्ष्य दस्तावेज है, जो खाता बही है, उसकी जांच होता है। विथ सम स्पेशल पर्पस इन व्यू, लेकिन इसका जांच का क्या होता है, कुछ विशेष उद्देश्य किया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ सच इंक्वायरी इज टू एसर्टेन। बोलता है जो इंक्वायरी है, जो जांच होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इज टू एसर्टेन, पता लगाना होता है क्या, द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जो भी व्यवसायिक संस्थान है उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजिशन में क्या होता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन का वित्तीय है ना, वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगाना होता है, या और इट्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, और उसकी जो सामान्य जो लाभ कमाने की जो क्षमता है उसको, या द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड। ठीक ना, द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड यानी जो भी कपट किया गया, छल कपट किया गया, उसका क्या मतलब लेवल स्तर क्या है, इफ़ एन यदि कोई हो तो, और टू इंक्वायर अबाउट द सस्पेक्टेड। ठीक ना, और इंक्वायर अबाउट द सस्पेक्टेड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, या जो भी संदिग्ध जो प्रबंधन है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो कुप्रबंधन होता है, जो संभावित होता है, संदिग्ध जो होता है, उसकी जाँच के बारे में रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्पष्ट हो जाता है कि दस इन्वेस्टिगेशन इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट, यानी इन्वेस्टिगेशन जो है एक प्रकार का विशिष्ट ऑडिट है। स्पेशल ऑडिट मतलब क्या, विशिष्ट अंकेक्षण है एक प्रकार का, विथ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन व्यू, जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, यानी एक प्रकार का ऑडिट होता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है कि डिफिनेशन की बात है, तो बहुत सारी यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन जैसे ऑडिट वगैरह में याद है, जितने भी इसे है टॉपिक है, सब में डिफिनेशन दिया गया था। तो इसमें भी मतलब जो डिफाइन जो है डिफरेंट ऑथर द्वारा जो है अलग अलग ढंग से डिफाइन किया गया, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है उसको इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, पहला, जैसा कि अकॉर्डिंग टू लंकास्टर, मतलब बता लंकास्टर के अनुसार, एन इन्वेस्टिगेशन मे बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ an inquiry into the accounts of business with a view to disclosing the true position of affairs in relation to the special matter falling with the scope of investigation। जैसा कि ऊपर में ही बोला गया है उसी के हिसाब से है। ठीक नहीं है, बोलता कि an investigation, लंकास्टर के अनुसार जो है, an investigation may be defined, investigation को परिभाषित किया सकता है as an examination of, एक प्रकार से जांच का, an inquiry into the accounts of business, और साथ ही साथ एक परीक्षा, जो पूछते हैं ना हम लोग, जो इंक्वायरी जांच पूछते हैं, परीक्षा, इनटू द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस का अकाउंट्स है उसके संबंध में जो परीक्षा है या जो जांच है उसको, विथ ए व्यू टू, इस उद्देश्य से, टू डिस्क्लोजिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ अफेयर्स, जो भी स्थिति, जो भी व्यवसाय का जो वास्तविक स्थिति है उसको पता लगाने के, डिस्क्लोज करने के लिए, पता लगाने के लिए, इन रिलेशन टू द स्पेशल मैटर, किसी विशिष्ट जो तथ्य है उसके संदर्भ में,
फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ इस इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसमें जो विशिष्ट मैटर उसके संबंध में जो भी वास्तविक स्थिति है उसको पता लगाने के संदर्भ में ये जो भी अकाउंट्स है उसके क्या होगा, वो जांच है और साथ ही साथ वो एक इंक्वायरी है, परीक्षा है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा जो बोलता है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, स्पाइसर एंड पेगलर के शब्दों में बोलता है कि द टर्म इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज, बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो सूचित करता है एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, किसी बोलता है व्यवसाय के जो भी खाता बही है उसकी जांच को सूचित करता है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, है ना, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों, यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो भी व्यवसाय में जो भी अकाउंट्स मेंटेन किया गया है उसकी जाँच को वो सूचित करता है इन्वेस्टिगेशन। थर्ड नंबर जो है अकॉर्डिंग टू टेलर एंड पैरी, टेलर एंड पैरी के अनुसार जो है इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, शामिल होता है एन इंक्वायरी इनटू द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है जो तथ्य है उसकी जांच या पीछा से बिहाइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स अकाउंट के में जो भी है तथ्य है उसके संदर्भ में वो एक इंक्वायरी को इन्वॉल्व करता है, पीछा या जांच को वो शामिल करता है। इनटू द क्या चीज़ वो जांच होता है, किस प्रकार की जाता है, इनटू द टेक्निकल जो कि वो तकनीकी होता है, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस हाउस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी व्यवसायिक जो व्यवसायिक संगठन है, व्यवसायिक जो संगठन है या व्यवसायिक गृह जो है, ठीक है ना, उसके बोलता है कि तकनीकी वित्तीय और फाइनेंशियल पोजीशन के संदर्भ में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी होता है उसकी तथ्यों को वो जाँच होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, एक प्रकार के विशिष्ट जांच होता है जिसमें तकनीकी वित्तीय और आर्थिक संबंधी जो भी स्थिति है उसकी जांच करता हो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं दस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ऑडिटिंग, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑडिटिंग नहीं है, इट इज़ ए स्पेशल ऑडिट, ये एक विशिष्ट ऑडिट है, एक विशेष संकेक्षण है, विथ लिमिटेड और एक्सटेंडेड स्कोप, जो कि एक सीमित और विस्तृत कार्यक्षेत्र होता है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जो भी उद्देश्य होता है उसके अनुसार एक क्या होता है, सीमित या विस्तृत जो होता है वो विशिष्ट ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट होता है, फॉर विच इट इज़ कंडक्टेड, जिसके लिए इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, बोलता है इन्वेस्टिगेशन ऑडिटिंग नहीं है, कि विशेष प्रकार का ऑडिट होता है जिसका स्कोप जो होता है, कार्यक्षेत्र होता है, वर्किंग एरिया जो होता है वो सीमित होता है या कुछ विस्तृत होता है, जैसा कि उद्देश्य होता है इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है जिसके लिए वो संचालन इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड टू इस्टैब्लिश, ये जो कंडक्ट करवाता है इन्वेस्टिगेशन करवाता है टू इस्टैब्लिश, यस स्थापित करने के लिए, इस्टैब्लिश ए फैक्ट, जो भी तथ्य है उसको स्थापित करने के लिए, और हैपनिंग और या जो घटित होता है, और टू इवेल्युएट और उसको मूल्यांकन करने के लिए, और एसेस उसको निर्धारण करने के लिए, समथिंग जो भी कुछ है, इन ए प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो भी प्रचलित स्थिति है, जो भी उस समय जो स्थिति है उसमें जो भी फैक्ट है या जो घटित हुआ है या जो भी मूल्यांकन है या जो भी निर्धारण है, कुछ जो भी कुछ करना है उसके उसको स्थापित उसको इस्टैब्लिश करने के लिए वो जाँच करवाता है। इट रिक्वायर्स स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम, इसमें ये जो होता है इन्वेस्टिगेशन क्या रिक्वायर करता है, स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स, एक कुछ विशिष्ट आइटम्स होता है उसके संदर्भ में विशिष्ट जांच होता है, रिकॉर्ड्स जो भी आइटम्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया जो भी बही हो गया, या ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन है, या इवन रेलिवेंट फैक्ट्स और जो भी उससे संबंधित जो भी तथ्य है, बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी संबंधित तथ्य है, विस्तृत आइटम है, मतलब मद है, लेखा रिकॉर्ड्स वगैरह बही वगैरह है, या जो भी लेन देन है उसके संदर्भ में क्या हो गया, विशेष प्रकार के जांच को मतलब इससे साबित करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है एक तरह से बोला जा सकता है कि विशेष प्रकार का ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट तो होता है, इन जनरल होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की यहाँ पर जाँच करनी होती है, ये कंपलसरी होता है, नॉर्मली कंपनीज एक्ट के तहत ये बोलता है कि ये अनिवार्य होता है, ये संस्थान को करवाना ही चाहिए होता है, या जो भी कंपनी नहीं भी है, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है तो उसको लोन लेना है या गवर्नमेंट से बहुत सारा फंड लेना है तो उसके लिए ऑडिट जरूरी होती है,
एक तरह से कंपलसरी नहीं होने भी होने पर भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप केस में ऑडिट नहीं भी कंपलसरी होने के भी उसको इस ढंग से रहता है कि कोई सरकारी लाभ लेना है या कुछ भी ऐसा बैंक से लोन लेना है या और भी कुछ उद्देश्य के लिए है, ठीक है नहीं है, सरकार से अनुदान लेना है कुछ भी है, तो उसके लिए ऑडिट होता करवाता है। आज जहाँ तक कंपनी की बात है तो कंपनी में तो ऑडिट मस्ट है, ये चीज़ को है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेगुलर मतलब वर्ष में उसकी जाँच करवानी जरूरी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की बात है, जहाँ तक अन्वेषण की बात है, वो जरूरी नहीं होती है। जब संस्थान को ऐसा लगता है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कि हमको कोई बिजनेस खरीदना है, तो वह जो स्थिति बैलेंस शीट दर्शा रहा है वो वाकई में है कि नहीं, या उसका बिजनेस का जो खरीद रहे हैं उसका वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक नहीं है, ये चीज़ हो गया, या उसका लाभदायक क्षमता जो अर्निंग कैपेसिटी है वो वाकई में सही है कि नहीं, वास्तव में कितना है, ठीक है। ये तो इन सब के सीजन में अगर हमको कोई चीज़ जाँच करना है, फैक्ट हमको पता करना है, तथ्य पता करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाता है, यानी अन्वेषण जो होता है वो संचालित करवाता है, ठीक है, यानी इसका जो उद्देश्य होता है, एक प्रकार ऑडिट ही है लेकिन इसका स्पेशल और विशेष विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक नहीं है। ये चीज़ को जहाँ तक बता रहे ऑब्जेक्ट की बात है, इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्यों की बात है, इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य की बात है, जैसा कि ऊपर डिफिनेशन में मीनिंग में ही मतलब स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या उद्देश्य है, ठीक है नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो बोलता है द ऑब्जेक्ट और पर्पस फॉर विच इन्वेस्टिगेशन आर कंडक्टेड, बोलता है जो उद्देश्य है या जो पर्पस है, ठीक नहीं है, फॉर विच इन्वेस्टिगेशंस आर कंडक्टेड, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, वो इस प्रकार से जो उद्देश्य है जिसके लिए ऑब्जेक्ट या पर्पस जिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो करवाया जाता है वो इस प्रकार से क्या क्या भैया, पहला वेन ए पर्सन इंटेंड्स टू परचेज बिजनेस, जब कोई व्यक्ति बिजनेस को खरीदना चाहता है, तब बिजनेस जो खरीदना चाहता है उसका वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ को हो गया, यानी है ना, ये तो जानना चाहेगा वो, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। यानी पहला हो गया वेन ए पर्सन इंटेंड्स टू परचेज बिजनेस, जब कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। दूसरा वेन ए न्यू कंपनी विशेस टू परचेज ए रनिंग बिजनेस ऑफ फर्म, वही चीज़ है जहाँ पर एक कोई नया कंपनी ये इच्छा व्यक्त करता है कि है ना कि क्या भाई इच्छुक है टू परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ फर्म, कोई बिजनेस जो चल रहा है बिजनेस या फर्म जो है उसको खरीदने के लिए वो इच्छुक है, तो क्या करेगा वो इन्वेस्टिगेशन करवा। तीसरा वेन ए पर्सन डिजायर्स टू इंटर इंटू ए पार्टनरशिप फर्म एज ए न्यू पार्टनर, जब कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक है, तब ठीक नहीं है, वो वास्तविक जानना चाहेगा कि भाई कंपनी जो भी फर्म है वो वास्तव में लाभ कमा रहा है कि नहीं कर रहा है इस चीज़ को, ये ठीक है ना, उसके बदले में वो क्या होगा विस्तृत जांच करवाएगा जो कि इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, ठीक है। तीसरा नहीं क्या होगा वेन ए पर्सन डिजायर्स टू इंटर इनटू ए पार्टनरशिप फर्म एज ए न्यू पार्टनर, यानी जब कोई व्यक्ति मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक होता है, तब इच्छा व्यक्त करता है इच्छुक है तब। फोर्थ में आ जाएगा वेन ए पर्सन विशेस टू लेंड मनी, जब कोई व्यक्ति वो किसी को बोलता है कि जो अमाउंट मनी जो लगा है रुपया जो होता है किसी को उधार देना चाहता है, टू बिजनेस किसी बिजनेस को देना चाहता है उधार, एंड वांट्स टू नो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और ये जानना चाहता है कि उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति कितनी है, ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी पैसा देगा तो भाई रिटर्निंग भी होनी चाहिए, रिटर्न कैपेसिटी होनी चाहिए, तो कैसे होगा, तो उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी संस्थान को वो है ना लोन देना चाहता है, रुपया का वो कर्ज देना चाहता है, उधार देना चाहता है, तो उसके संदर्भ में क्या होगा, वो उस संस्थान का वित्तीय स्थिति को जानना चाहता है, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवा। फिफ्थ में हो गया हमारा वेन ए पर्सन विशेस टू परचेज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है तो निश्चय ही वो क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि भाई उसकी कैसी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो डिविडेंड देने की स्थिति में है कि नहीं है, ठीक है। सिक्स नंबर में आ जाएगा वेन द प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस सस्पेक्ट फ्रॉड, जब किसी व्यवसाय के जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उसके संदर्भ में क्या हुआ, फ्रॉड के संदर्भ में संदिग्ध होता, सस्पेक्ट यानी फ्रॉड का दोषी पाया जाता है, ठीक है। ये जब कोई बिजनेस का जो मालिक होता है वो क्या होगा, वो फ्रॉड यानी कपट छल कपट का दोषी पाया जाता, संदिग्ध पाया जाता, तो वैसी स्थिति में वो इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। सेवेंथ में आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिगेशन फॉर क्लेम्स,
अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग कंसिक्वेंशियल लॉस डेट इज इन केस ऑफ फायर बर्गलर सिस्म। बोलता है कि अगर कोई क्लेम हम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर कोई क्लेम हम इंश्योरिटी करते हैं, कोई क्लेम करता है इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया उसके तहत क्लेम करता है कि क्या भाई जो भी लॉस वगैरह है, जो भी लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए, जैसे कि इन केस ऑफ जैसे आग लग जाना या चोरी हो जाना, ये सब है ना, डकैती हो जाना, ये सब चीज़ होता है, उसके संदर्भ में क्या होगा वो जाँच करवाई जाती है। ठीक नहीं है, क्लेम को पेमेंट करने से पहले वो जांच की जा सकती, इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता। एट्थ पॉइंट में हमारा जाएगा इन्वेस्टिगेशन टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इन्वेस्टिगेशन टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अगर हम मान लीजिए है ना पेबल ऑन द कंपल्सरी रिमूवल ऑफ द बिजनेस, मान लीजिए किसी बिजनेस के अनिवार्य समापन पर अनिवार्य रूप से समापन होने पर कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा, किसी बिजनेस के पूर्णतः समाप्त होने पर, पूर्णतः बंद होने पर कंपनसेशन का अमाउंट कितना होगा, उसके संदर्भ में पता लगाने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 9th पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बोलता है किसी कंपनी के बिहाफ में जो इन्वेस्टिगेशन और इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति है फॉर अलेग्ड नेग्लिजेंस, जो भी जानबूझकर जो उस पर लापरवाही का चार्ज लगा है और लैक ऑफ स्किल बाय द ऑडिटर, या जो भी स्किल है, जो भी उसकी कार्य क्षमता है, जो भी उसका योग्यता है उससे अभाव में है ना बाय द ऑडिटर, जो भी ऑडिटर के द्वारा जो है उसके संदर्भ में भी इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और एन इंडिविजुअल फॉर अलग नेग्लिजेंस और लैक ऑफ स्किल बाय द ऑडिटर, जो भी बोलता है कि नेग्लिजेंस के लापरवाही का जो भी उस पर चार्ज लगा है, या भी जो उसकी योग्यता है उसके कमी में जो ऑडिटर द्वारा किया गया है उसके संदर्भ में क्या होगा वो, ठीक ना, कंपनी या इंडिविजुअल संदर्भ में वो इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, 10th में हो गया इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी वेयर द डायरेक्टर्स आर सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड और मिसबिजनेस। ठीक है, ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब बोलता है कि कंपनी के लिक्विडेटर की बिहाफ में, जो भी कंपनी का जो मतलब समापन करता है उसके बिहाफ करवा सकता है, जहाँ भी जो लिक्विडेटर है जो समापन करता है कंपनी का उसके बिहाफ है ना, उसके बिहाफ में वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, जहाँ पर करवाया जा सकता है वेयर द डायरेक्टर्स आर, जहाँ पर जो संचालक है आर सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड और मिसबिजनेस, जहाँ पर जो डायरेक्टर जो संचालक है वो दोषी पाया गया है छल कपट का या मिसबिजनेस, मतलब उसको ज़्यादा अथॉरिटी अधिकार से ज़्यादा बाहर काम करने का, ठीक है ना, गलत अथॉरिटी का गलत उपयोग करने पर उसके है ना, जहाँ पर दोषी पाया गया है उसके संदर्भ में वो है ना लिक्विडेटर की तरफ से वो इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। 11th पॉइंट में आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन पॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरीज, जो भी लाभुक है उसके बिहाफ इन्वेस्टिगेशन करवाया सकता है, वेयर ट्रस्टीज आर सस्पेक्टेड ऑफ फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन, जहां पर उसके जो ट्रस्टीज हैं, जो प्रन्यासी इसको बोलते हैं, जिसको मालिक बोल सकते हैं लोग, जो इन्वेस्टर हैं प्रन्यासी ट्रस्टीज, जहां पर फ्रॉड या मिसअप्रोप्रिएशन कपट या गबन के केस में वो संदिग्ध है सस्पेक्ट है वो, वहां पर वो लाभुक द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है, है ना, बेनिफिशियरी के बिहाफ में जो भी लाभुक करता है उसके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। 12th में आ जाता है हमारा में इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिहाफ में भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है फॉर टैक्स लाइबिलिटी, क्या भाई जो भी कर दायित्व है, जो टैक्स लाइबिलिटी कर दायित्व है, और फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, या वैसे इनकम जो डिस्क्लोज नहीं है, जो कि छिपाया गया है अप्रकटित है, ठीक नहीं है, उसको पता लगाने के लिए। तो बोलता है टैक्स लाइबिलिटी यानी कर दायित्व तो या डिटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, जो भी अनडिस्क्लोज इनकम है, जो ऐसा इनकम जो प्रकट नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसको पता लगाने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।